हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब काफ़ी बेहतर हूँ। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आ रही है, इतना टाइम हो गया है, क्या बात है, क्या अभी तक तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इतने सारे लोगों ने इंस्टा पे डीएम करके पूछा कि मैं क्यों वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। मुझे इतना 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 अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, कि मुझे सही में नहीं पता था कि इतने सारे लोग सही में जेन्युइनली मुझे पसंद करते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, जिन्होंने सही में मुझे पर्सनल मैसेज, पर्सनल इंस्टा पे डीएम कर करके पूछा है कि आपकी तबीयत कैसी है, क्या है। जब मेरी तबीयत ख़राब थी तब मैं एक्चुअली नहीं फ़ोन वोन यूज़ कर पा रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बट आफ्टर सम टाइम जब मैं थोड़ी सी बेटर हो गई तो मैंने चेक किया, उसमें इतने सारे मैसेज, इतने सारे कमेंट्स, इतना था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब सही में अब सही में लगता है जैसे एक फैमिली है और हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सोच के कि मैं अभी इतनी पुरानी नहीं हूँ यूट्यूब पे, अभी नया चैनल है मेरा, बट फिर भी इतने सारे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी केयर कर रहे हैं बिल्कुल एक फैमिली की तरह। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आपको बताने के लिए कि अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ और अब मेरे चैनल पे वीडियोस रेगुलरली आएंगी, जस्ट जैसे पहले आती थी एवरी ऑल्टरनेट डे। तो मैंने सोचा पहले मैं ये बता दूँ एक वीडियो में कि मैं इतने टाइम से क्यों नहीं आ रही थी, क्यों मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ होती है, हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि इतना ज़्यादा कोविड फैल रहा है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, प्लीज़ 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 आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आपको है तो सिर्फ आप तक ही नहीं रहती, आप पता नहीं कितने लोगों तक फैला सकते हो इसे। तो आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कोविड हो गया, आप ठीक हो गए, बात यह है कि होने के रिकवर के बाद भी इसका जो रिकवरी टाइम है और आगे जो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं वो इतने ज़्यादा लेट तक चलते हैं कि मतलब ऐसा लगता है जैसे बॉडी से सब कुछ चला गया है, कुछ बचा नहीं है बॉडी में। तो वो चीज़ें जो है एकदम ऐसा लगता है आप खाली हो गए हो, आपको इतनी वीकनेस होती है, आपको ब्रेथलेसनेस होती है, आपका हार्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है, आपकी स्किन एकदम ख़राब हो जाती है, आपके बाल एकदम डैमेज हो जाते हैं। मैं इसीलिए ऐसे वीडियो बना रही हूँ एकदम, ताकि मैं आने वाले टाइम पे जो वीडियोस बनाऊँ उसमें आपको डिफरेंस पता चले, क्योंकि मैंने इतने टाइम से, जब से मैंने वीडियोस एंड किए बनाना तब से मैंने कोई स्किन केयर रूटीन नहीं किया है, मैंने बालों में कुछ नहीं लगाया है, यहाँ तक कि हेयर ऑयल भी बहुत रेयरली अप्लाई होता था, जब मुझे हेड वॉश करना होता था तभी मैं हेयर ऑयलिंग करती थी, अदरवाइज हेयर ऑयलिंग भी नहीं हो रही थी मेरी ज़्यादा। तो देखिए मेरे बाल एकदम डैमेज हो गए हैं और बहुत ड्राई हो गए हैं, ग्रे हेयर वापस आने लगे हैं क्योंकि हेयर कलर नहीं हुआ है। और अगर मैं स्किन की बात करूं तो स्किन पे मेरे जो है ड्राई हो गई है बहुत ज़्यादा, और थोड़े से पिंपल्स हो गए थे जो अभी बेटर है, जो ड्राई हो गए हैं, और तो एज सच कुछ नहीं हुआ। स्किन बहुत ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, और जो एक ग्लो स्किन पे था वो अब नहीं है ऐसा लगता है, और कलर भी मेरा जो है काफ़ी डल हो गया है पहले से। इतना लंबा बोलने के बाद ऐसे लगता है एकदम जैसे पत्नी कितना थक गए हैं, बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाता, मन करता है ऐसे चुप बैठे रहो, बिल्कुल बात नहीं करो, कुछ नहीं करना है, काम करने का मन नहीं करता, कुछ बात करने का मन नहीं करता, ऐसा हो गया है। और एक तो सबसे ज़्यादा आपको अकेला रहना पड़ता है, क्योंकि आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए, तो वो जो आइसोलेशन का टाइम है ना वो बहुत ख़राब होता है। वो तो मतलब बात तक भी ना आपको ऐसा लगता है आपने ये किया, ओ गॉड आपने कोई पैकेट छू लिया, पता नहीं ये साफ था नहीं था, क्या है, आपने वॉश नहीं किया था, इसे सैनिटाइज नहीं किया था, तो वो जो डर होता है ना वो एंड तक रहता है, हमेशा रहता है। कोई आपसे मिलने आएगा तो वो डर आ जाता है, ये मेरे से मिलने आया है, पता नहीं ये ठीक है नहीं है, मतलब आप हाँ भी नहीं करके उससे अच्छे से मिल सकते और आप ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कब तक आप ऐसे अकेले पड़े रहोगे। हाँ ऐसा है कि अगर कोविड हो जाता है तो वो 10 दिन बाद
फैलता नहीं है, आप दूसरों को वो वायरस नहीं ट्रांसमिट कर सकते, लेकिन अपने अंदर जो डर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो प्लीज आप सब हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और बहुत बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे कि कोई भी सिम्टम आ रहा है आपको, या आपको कुछ भी ऐसा थोड़ा सा भी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक ही हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोविड है, तो अगर आपको कुछ भी हल्का सा भी डाउट हो रहा है ना, तो प्लीज़ एटलीस्ट आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए बिल्कुल, ताकि आपसे किसी और को ना फैले। क्योंकि इस टाइम पे फैमिलीज़ में बहुत सारे लोग अपनों को खो रहे हैं, एक तो इंसान खुद बीमार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस टाइम पे कोई सिंगल घर ऐसा होगा जिसमें कोई बीमार ना हुआ हो इस टाइम पे। सबको बीमारी हुई है, सबको घर में कोई ना कोई बीमार ज़रूर पड़ा है, चाहे कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, पर सबके घर में बीमार पड़ा है। और इतनी ज़्यादा फैमिली में डेथ्स हुई हैं, मेरी फैमिली में भी इतनी डेथ्स हुई हैं कि इतना ऐसा मतलब मन ना बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब कुछ करने का मन नहीं करता, पर कब तक हम चीज़ों को डीले करते रहेंगे, कभी तो दोबारा स्टार्ट करना है। अब मैं रोज़ सोचती थी आज बनाऊंगी वीडियो, आज बनाऊंगी, बट मन ही नहीं होता है, मतलब बात करने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, थोड़ा बात करो तो लगता है इतनी वीकनेस हो गई, अभी मैं बात कर रही हूँ तो लग रहा है इतना एकदम बहुत थकन थकन सी लगने लग जाती है, बट कोई बात नहीं, अब काम तो दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब आएगी मेरी वीडियोस एवरी ऑल्टरनेट डे, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, मुझे इतना सपोर्ट दिया, जिन्हें मैं सही में इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, पर फिर भी उन्होंने बिल्कुल एक फैमिली की तरह ट्रीट किया। थैंक यू सो मच मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं, जो मेरी सही में केयर कर रहे हैं, जो मुझे सही में नहीं लगा था कि इतनी जल्दी मुझे इतना ज़्यादा कनेक्शन होगा मेरा मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ। क्योंकि बहुत आप पुराने हो जाते हो, आपको लोग जानने लगते हैं, पर्सनली आप कैसे हो तो थोड़े जानने लगते हैं, तो वो एक अलग बात होती है, पर जब आप नए हो आपको इतने लोग नहीं जानते हैं, तो उसमें लगता है कि अगर आपको इतना प्यार दे रहे हैं तो सही में आप बहुत 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 लकी हो। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि एक तो मैं अभी ठीक ठाक बैठ के आपके सामने बात कर पा रही हूँ इसलिए, और दूसरा कि आप जैसे इतने अच्छे अच्छे लोग मेरी परवाह करते हैं। तो थैंक यू सो मच, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ज़रूर से ब्यूटी वीडियो, और मैं कैसे करूँगी वापस से अपने बालों और अपनी शक्ल को ठीक, ये मैं ज़रूर बताऊँगी अपने आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि तब से मैं स्टार्ट करूँगी वापस से मेरा स्किन केयर रूटीन एंड मेरी हेयर केयर जो अभी तक नहीं हुई है बिल्कुल, इसलिए ऐसे हाल हो गए हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।